मार्ग पर मोदी जी के नाम के साथ आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प दिखाई पड़ रही है। केजरीवाल का एक दांव किसी की समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो दिल्ली का चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के सर्वमान्य नेता हैं, वे सिर्फ भाजपा के नहीं भारत के नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल दिल्ली में मोदी का सामना करने की बजाय वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश मुखी से ही लड़ने का दम भर रहे हैं। इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी का होने वाला है और उसमें उनके सामने किसी तरीके का कोई धर्म संकट नहीं बचा है। केजरीवाल का ये दावा उन्हीं के लिए सवाल बन गया कि क्या वो मोदी के जादू से डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेगी तो उससे आपको डर लग रहा है? अगर आप नहीं चाहते ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। अगर नहीं तो फिर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट केजरीवाल अपनी मर्जी से क्यों तय कर रहे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर सीधा हल्ला बोलने की बजाय एमसीडी में बीजेपी के नाकाम होने की दुहाई दे रही है? शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी से डर रहे हैं केजरीवाल? ये हमारी बड़ी बहस का बड़ा सवाल है। और क्या 49 दिन की उनकी सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी रणछोड़ दास मुख्यमंत्री कह रही है, क्या उनका बंटाधार कर देगी? क्या उनकी पॉलिटिकल रणनीति की ये पूरी पूरी विफलता थी? क्योंकि केजरीवाल बार बार अब ये कहते हैं कि वो सरकार छोड़कर नहीं भागेंगे। क्या ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता थी? इस पर हम अगले एक घंटे के अंदर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद कुमार बिन्नी, MLA लक्ष्मीनगर, जो कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उनके सबसे खासम खास हुआ करते थे, लेकिन उनके मतभेद हो गए और अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी से वो नहीं जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब हैं स्टूडियो में। हमारे साथ शोएब इकबाल साहब हैं, MLA मटिया महल से, जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते हैं और इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार को समर्थन दिया था। हमारे साथ कल्बे रुशेद रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ नेता आपके और सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सबसे पहले रिजवी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि क्या मोदी से डर गए हैं केजरीवाल? दीपक भाई, मैं इसका यही जवाब देना चाहता हूं कि सियासत में सबसे पहली बात तो कोई किसी से डरता नहीं है। सब जनता के पास जाके ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी फिलोसफी को, अपने सोचे हुए कामों को, अपने बयानों को और अपनी पॉलिसियों का जिक्र करें। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में सियासत का सूरज निकला तो ज़रूर है, लेकिन अभी चढ़ा नहीं है। इसे चढ़ जाने दीजिए, फिर पता लगेगा कि किसे पसीना आ रहा है और कौन सुकून से बैठा है। नहीं, पसीना तो केजरीवाल को आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। दीपक भाई, ये आपको लग रहा है, मगर जब हम वोटर्स के पास जाएंगे और वोटरों का जवाब जब आएगा, तो जैसे पहले लोगों को लगता था कि अरविंद केजरीवाल इतनी सीटें नहीं ला सकते, बिल्कुल वैसा ही नतीजा होगा और इतनी सीटें आ जाएंगी अरविंद केजरीवाल के पास कि उन्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो केजरीवाल को भी नहीं लगता था पिछले चुनाव में कि वो इतनी सीटें जीत जाएंगे, वो खुद की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थे। देखिए, ऐसा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा, जो घुटनों के बल चले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कुछ ना था तो इतना कुछ हो गया, और जब इतना कुछ है जनता के प्यार की वजह से, तो आगे भी ये प्यार मिलता रहेगा। तभी गद्दी छोड़कर भाग गए वो? वो कभी गद्दी छोड़ के नहीं भागे। वो आए तो ये समझ कर आए कि आना जरूरी है, और वो गए तो ये समझ के गए कि जाना जरूरी है। लोग प्यून की नौकरी नहीं छोड़ते दीपक भाई, सीएम की कुर्सी बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए उन्होंने तो गलती मानी है सबके सामने, माफी मांगी है भाई, माफी मांगी है, कान पकड़े और कहा है कि हमसे गलती हुई है, मुझसे दोबारा नहीं करूंगा, कभी छोड़ के नहीं भागूंगा। इसमें तो मुझे लग रहा है आप गलत पैरवी कर रहे हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई मेरे से गलती हुई है, दोबारा एक बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं दोबारा छोड़ के नहीं भागने वाला। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बिंदी भाई का कि उन्होंने अपना विरोध बड़े प्यार से जताया। विरोध विरोध नहीं कह रहा, मैं तो वास्तविकता गुनाह करके भागना, चोरी करके भागना,
गवन करके भागना, हक मार के भागना, पॉलिसी उल्टी सीधी करके भागना, लोगों का पैसा लेके भागना, जनता को परेशान करके भागना, वो भागना कहलाता है। सत्ता को लात मारना, सीएम की कुर्सी छोड़ना भागना नहीं कहलाता। शब्द बहुत अहम मान्यता रखते हैं। आपको करेक्ट कर दूं मेरे भाई, मुझे सिर्फ एक जुमला बोलने दीजिए, एक जुमला बोलने दीजिए, मुझे एक जुमला बोलने दीजिए। हमारे हिंदू शास्त्रों में पैसे को दो नामों से याद किया जाता है, एक को धन कहा जाता है और एक को लक्ष्मी कहा जाता है। धन और लक्ष्मी में फर्क है। धन किसी को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, लक्ष्मी किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। भागने का लफ्ज भगोड़े के लिए वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां वो कोई कुर्बानी ना दे रहा हो और भाग रहा हो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हो, सच्चाई से भाग रहा हो, अपने जिम्मेदारी से भाग रहा हो। केजरीवाल साहब बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी से भागे, ओहदे को लात मारी, जिम्मेदारी से भागे, जिम्मेदारी से भागना नहीं, जिम्मेदारी से ही भागे। बिल्कुल नहीं, यहां फोर्सेस में जो आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, जो अपने जो जॉब को छोड़ के भाग जाता है, उसमें सीधा सीधा एक शब्द यूज किया जाता है कि आदमी भगोड़ा हो गया है, फोर्स को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों से छोड़ के, देशभक्ति को छोड़ के, देश के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ के भाग गया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा दूसरा कोई शब्द यूज किया जाता होगा भगोड़े के अलावा। ये कहा जाता है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। बिन्नी भाई, मैं आपकी बात मान लेता अगर वाकई 36 सीट आम आदमी पार्टी की होती, लेकिन 28 सीट के आदमी से ये कहना कि भाग गया, जो खुद किसी दूसरी पार्टी के बैसाखी पर हुकूमत बना के खड़ा था, उससे क्या ये कहना कि वो भाग गया या वो खड़ा रहा। अब ये जनता तय करेगी कि उसे बैसाखी की सरकार दिल्ली में चाहिए या उसे दो पांव की सरकार चाहिए। लेकिन सवाल ये है, बैसाखी की सरकार बनाई तो खुद अरविंद केजरीवाल ने ना, और उन लोगों के वो जनता के लिए बनाई, वो कुर्बानी था, तो फिर भागे क्यों? देखिए, भागना फिर लफ्ज में एतराज कर रहा हूं, धन और लक्ष्मी जैसे नहीं मिलाया जा सकता, वैसे ही भागना इसलिए नहीं मिलाया जा सकता कि वो एक कुर्बानी थी, कोई नहीं छोड़ा। अच्छा, एनके सिंह साहब तटस्थ हैं, एनके सिंह साहब तटस्थ हैं, मेरे भाई हैं, मैं आप इनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि सर, एक मिनट सुधांशु भाई, आ रहा हूं आपके पास, हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये भागना नहीं था? एक चीज है, आपने अब तटस्थ कह दिया है, हकीकत यह है कि जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में ये भागना का लफ्ज थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे भागना ही है दरअसल, वैसे भागना ही, आपने मान लिया भागना ही। मैं आगे बता रहा हूँ, उसमें इसलिए है कि आपने जनता से कुछ वायदे किए, आप और हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सत्ता में ही आने के लिए ये वायदे करती है और वोट लेती है। बिल्कुल। फिर आप सत्ता में आए और वो बहुत बड़ा टेक्टिकल एरर था कि आपने अचानक जाके और वहां पे करके और अचानक बिना किसी से कहे वहां से चले आते हैं। तो ये भागना तो ही है, टेक्निकली ये भागना ही है। लेकिन एक चीज और भी देखिए, भागने के अलावा जो उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, पर एक फॉर्मुलेशन आपका गलत है दीपक जी। आप जब ये कह रहे हैं ना कि वो एक आफ्ताब है जो उरूज पे है, जो पूरी तरह से, जो अब आपने कल्बे रिजवी साहब ने कहा कि सूरज डूब रहा है, अब उग रहा है, अभी पूरी तरह उगा नहीं है, दरअसल एक सूरज तो पूरी तरह उगा है, पूरे उरूज पे है, दूसरा यह है कि कहीं जवाल पे है, कहीं नीचे जा रहा है। एनालिसिस ये करनी है कि क्या वाकई ये नीचे आ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक प्रोडक्ट है जो करप्शन के खिलाफ जन आंदोलन था, उसके प्रोडक्ट हैं। हकीकत यह है कि बहुत अच्छा होता कि ये उसको जिंदा रखते, लेकिन वो रख नहीं पाए, और रखने की वजह से ये हुआ कि इस बीच में मोदी का एक उदय होता है और जबरदस्त जनता का समर्थन मिलता है। लेकिन आप जो फैक्चुअली जो पोजीशन है लोकसभा के इलेक्शन में, असेंबली के मुकाबले अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 3% ज्यादा वोट मिले थे उस उरूस की बात है, जबकि नरेंद्र मोदी पीक पे थे और लोकसभा का इलेक्शन था, तब भी 3% ज्यादा मिले हैं अरविंद केजरीवाल को। तो यह कहना कि वोट उनको नहीं मिले थे, यह गलत होगा। हां, सीट नहीं आ पाई, यह तो एफपीटीपी सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो यह कह देना कि उनको डिस्काउंट कर दें आप, ये मुझे ख्याल से गलत होगा। एक जो डॉर्मेंट वर्ग है, अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को डिस्काउंट कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे उनको 55 सीटें आएंगी, अब वो कह रहे हैं उनको 50 सीटें आएंगी, अब वो कह रहे हैं उनको 45 सीटें। कभी नहीं कहा दीपक जी, 36 से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो तो कांग्रेस से भी पूछेंगे तो यही, लेकिन 55 से 45 तक उतर आए हैं वो। हाँ नहीं, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, ये तो अरे तो स्वाभाविक है। सिंह साहब भी बोल रहे हैं और मैं दोबारा कहूंगा, और सिंह साहब को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि वोटें बढ़ी थी, क्योंकि पूरे देश में 98% सीटों पे लोकसभा में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। हाँ, वो इस तो बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बात को कह देना कि वोट बढ़ गया, या तो हम कहेंगे दिल्ली में वोट बढ़ गया या पूरे देश में कहें, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। 98% लोकसभा में पॉइंट कुछ परसेंट सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, ये थी बात। बिल्कुल सही, एक्सेप्ट नहीं किया दिल्ली की जनता ने, सिर्फ ये किया
बाकी देश भर में वो नहीं थे, वो टैक्टिकल ब्लंडर था। लेकिन दिल्ली में अगर लोकसभा चुनाव में और मोदी के उस तथाकथित सुनामी में अगर अरविंद केजरीवाल को 3% ज्यादा मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस है जो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, तो मेरे ख्याल से डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बड़ी साफ बात है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव जबरदस्त है और ऐसे में मेरे ख्याल से उनको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। ये 45 और 42 तो छोड़िए, मुझे लगता है कि अगर मतलब सम्मानजनक सीटें आ जाएंगी तो भी ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन टफ फाइट देंगे बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधांशु मित्तल जी पोस्टर वॉर छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल ने, वो कह रहे हैं कि 150 दिनों में बीजेपी ने 2 गुना महंगा पानी दिया है और 49 दिनों में उन्होंने पानी मुफ्त कर दिया था। दीपक जी, मैं बड़े गौर से सबकी बात सुन रहा था। पहले तो एनके सिंह जी को एक चीज कह दूं, एनके सिंह जी, स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसको एक ईमानदारी से अगर हम लोग जो है उसका विश्लेषण करें, नहीं तो उसके मैनिपुलेशन बहुत हो सकती है। जैसे जैसे उनका वोट 3% बढ़ा, बहुत अच्छा। कांग्रेस का वोट कितना घटा? 9% घटा। उनका जो वोट घटा वो इनके पास आया, सबको पता है। मुस्लिम वोट उनके पास ट्रांसफर हुआ, सबको पता है। हमारा कहां से कहां पहुंचा? 33 से हमारा 46% पहुंचा। तो बात तुलनात्मक हो रही है, बात जो होती है राजनीति में अपने की नहीं होती है, तुलनात्मक होती है। एक बात, मैं अभी रिजवी साहब को सुन रहा था, रिजवी साहब ने बड़ा शेरो शायरी में बहुत अच्छी बात करी, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। रिजवी साहब, एक कहावत भी और है, वो भी आप सुन लीजिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुट्ठी जब तक बंद होती है तो लाख की होती है, एक बार खुल गई लिफाफा फट गया तो फिर खाक की होती है। और यही कारण है कि 49 दिन की सरकार के आचरण से शुद्ध जनता ने लोकसभा में उनको सबक सिखाया। क्यों? क्योंकि जिस विश्वास से उनको वोट दिया था उनके साथ विश्वासघात हुआ। अभी आपने कहा कि बहुत फर्क पड़ता है कि लक्ष्मी है या धन है। रिजवी साहब, एक चीज और याद रखिएगा, अगर वो लक्ष्मी पूजन हो रहा था ना तो ये जो है ये माफी नहीं मांगते। अगर इन्होंने बलिदान करा होता और भागे नहीं होते ना तो फिर ये माफी नहीं मांगते। बलिदान के लिए कोई माफी मांगता है क्या? और अगर बलिदान के लिए माफी मांग रहे तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये कह रहे नहीं नहीं मैंने बलिदान करा था, अब बलिदान नहीं करूंगा, तो ये तो स्वार्थी पराकाष्ठा हो जाएगी। चलिए, ये तो हुई बातें, छोड़िए बातों का, अब कुछ तथ्यों पर आते हैं। आपने अभी दीपक जी क्या दिखाया? मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाऊंगा। क्या कहते हैं, क्या करते हैं ये कांग्रेस, जिसको सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसी के समर्थन से ये सरकार बनाते हैं, कोई बात नहीं। जब अपने सरकार में अपने जिम्मेदारी से इनकी घबराहट होती है, इनके एमएलए पिटने चालू हो गए थे, इन्होंने जनता दरबार बनाया वो उससे भाग गई है, इन्होंने जो बातें कही, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, वीआईपी कल्चर के प्रतिबिंब बन गए, हर चीज में इन्होंने जो जो कहा उसका विपरीत करना चालू करा, और फिर इनके ऊपर जब जनता का दबाव पड़ा तो छोड़ के भाग गए। बिन्नी जी ने सही कहा, बिन्नी जी लाइन ऑफ ड्यूटी कहते हैं, फौज में लाइन ऑफ ड्यूटी होती है, लाइन ऑफ ड्यूटी से कोई भाग जाए तो उसको डिजर्टर कहते हैं, यानी भगौड़ा। तो राजनीतिक भगौड़ा ये है वो सब जानते हैं। लेकिन मैं अब आगे एक और चलता हूं, देखिए, क्योंकि ये नैतिकता की बात करते हैं, ये भागे 14 फरवरी को ये चिट्ठी लिखते हैं कि विधानसभा को आप भंग कर दीजिए, बहुत अच्छी बात हो गई। इतने में क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, कांग्रेस भंग नहीं करती, लोकसभा के चुनाव होते हैं। 20 मई को ये फिर चिट्ठी लिखते हैं, किसको लिखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, नहीं नहीं नहीं, विधानसभा भंग नहीं करिएगा, विधानसभा भंग नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस इनको समर्थन दे देगी, दोबारा सरकार बना लेंगे। फिर इनको जब कांग्रेस ने कह दिया, ये कल टीवी पे इन्होंने माना, वो संजय सिंह जी बैठे हुए थे और संजय सिंह के साथ गोपाल राय ने बाद में ये माना कि भाई जिस दिन कांग्रेस ने कह दिया कि हम समर्थन नहीं देंगे, हमने कह दिया भंग कर दीजिए। अब आप सुनिए,
आप राजनीतिक नैतिकता की बात सुन लीजिए, आप 20 मई को दोबारा कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को तैयार थे, ये इनकी बलिदान की चर्चाएं कर रहा हूं मैं रजवी साहब, ये आपके बलिदानों की चर्चाएं हो रही हैं कि जिस पार्टी को जनता ने नकारा, जो पार्टी भ्रष्ट है, जो पार्टी आप तमाम कहते थे, उसी पार्टी के साथ फिर आप 20 मई को सरकार बनाने को तैयार हो गए। तो अगर ये अफसरवाद, अगर ये दुराचरण राजनीति में, अगर इसको आप जो है बगला भगत नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, मुझे बता दिए। उसके बाद ये क्या बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। मैं सिर्फ जैसे कहा ना कि काठ की हांडी कभी दोबारा नहीं चढ़ी है, क्योंकि जनता ने पहचान लिया कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है, और हमने इनको सोचा क्या था, निकलेंगे क्या, इसलिए लोकसभा में क्या इनके साथ हुआ, साथ ही साथ लोकसभा तो हारे ही हारे, क्योंकि एनके सिंह जी अभी जो है वो वोट शेयर की बात कर रहे थे। एनके सिंह जी 28 सीटें जीतने वालों को 24 सीटें 28 में हारे, ये विधानसभा शासन सिर्फ 10 सीटें जीते हैं, वो भी 6 वो जो कांग्रेस की थी 8 में से, इनकी खुद की सीटें 28 में से 24 हार गए हैं। और उसके बाद भी अगर आपको संतोष है और कहते हैं नहीं नहीं ये एक बहुत अच्छा बड़ा फिनोमेना है, ये आगे बढ़ गया था, तो शायद हो सकता है, मुझे इतनी गणित आती नहीं हो, मैं मानता हूं, मुझे तो राजनीति में एक चीज पता है, देयर इज नो कॉन्सोलेशन प्राइज फॉर द रनर अप, विनर टेक्स ऑल। ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा सुधांशु जी कि वो कोई बड़े कंटेंडर है, यही कहा गया कि टफ फाइट देंगे, लेकिन बीजेपी शीर्ष पे रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने शायद एक फैक्ट को थोड़ा सा टिप कर दिया, दूसरे नंबर पे रहेंगे, वो ये नहीं है कि डिस्टेंस कितना रहेगा, इसके बारे में नहीं बोला गया। हाँ, ये नहीं बोला गया। एक मिनट हम ये बता दें कि अगर आपका वोट शेयर 18.8% पीछे रहेंगे, ये नहीं बोला गया है, नेशनल लेवल पे सेकंड नंबर पे रहेंगे, नेशनल लेवल पे 18.8% से, जो कि बीजेपी लगातार गिरती हुई 25.6 से 18.8 पे पहुंची 2009 में, अगर वो 31% लाती है और कांग्रेस का 28.8 से 18.5 पे आ जाता है, तो वो भी तो आप ही को शिफ्ट हुआ है। जब कांग्रेस का आपको शिफ्ट होता है, इतराज नहीं है, तो अगर ये कांग्रेस का आप में शिफ्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल परवर्जन है इसमें, तो लिहाजा चलिए इतने आंकड़े पर हम ना जाएं और शुद्ध राजनीति की बात करें। मीम अफजल साहब, आपने इनकी 49 दिन की सरकार को समर्थन दिया था ना जी, तो इनके जो पाप है वो आप पर भी निकलेंगे। लेकिन दीपक जी, सबसे सबसे पहले तो मैं सुधांशु मित्तल जी को के इस जुमले को मैं एक सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूं। करिए करिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट आप पार्टी को मिल गया और कांग्रेस से शिफ्ट हो गया, गोया आज पहली बार बीजेपी ने यह मान लिया कि मुस्लिम वोट इन्हें नहीं मिलता है और ना मिलेगा शायद आगे। जो अमूमन ये कहते हैं हमें मुस्लिम वोट मिलता है, हमें इतना मिला उतना मिला, लेकिन आज सुधांशु भाई ने कम से कम ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम वोट इन्हें नहीं मिलता, चाहे आपको चला जाए या कांग्रेस को चला जाए, इनको नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता उसकी तफसील में मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ये ऐसे काम करें कि मुसलमान इनकी तरफ देखना शुरू करें, लेकिन ये ऐसा कोई काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि आप तो बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, बड़ी जिंदगी आपने गुजारी, और हमारे एनके सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, कल से काफी डिबेट्स में जाने का मौका मिला, देखने का भी मौका मिला। ज्यादातर डिबेट्स में ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी से डर गए हैं या बीजेपी, और सिर्फ इसमें चुनाव हो रहा है। हम तो ऐसे ही आकर आजकल बैठ रहे हैं, एक आध सवाल हमसे भी हो जाता है, और ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस तो हारी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जब हम हारे थे तब भी हमारे बगैर सरकार नहीं बनी, तो स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, माजी से कुछ सबक भी सीखना चाहिए। और आपने जो, आपका जो बड़ा अहम सवाल है, मैं पहले उसका जवाब दूंगा, जो आपने रखा है कि मोदी जी से केजरीवाल डर गए या नहीं डर गए, बिल्कुल सही कहा। कल से ही हमारे आप पार्टी के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि जगदीश मुखी को लाइए, वो ये मान के चल रहे थे कि मोदी जी से मुकाबला करवाना ही नहीं चाहिए। तो आपकी इस बात में दम है कि केजरीवाल जी मोदी से डर गए हैं, लेकिन एक दूसरी हकीकत और भी है कि केजरीवाल मोदी से डर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से बहुत डरी हुई है, खासतौर पर दिल्ली की पार्टी तो इनकी बहुत ही खौफजदा नजर आती है।
और कोई ये तैयार नहीं है कहने को कि मैं इसको लीड करूंगा, क्योंकि वो ये देखते हैं कि शायद मोदी जी से मुकाबला कर लें और लेकिन केजरीवाल से इनका दिल्ली का कोई लीडर जो है मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई केजरीवाल नहीं था अफजल साहब, दानशु भाई अगर ये तर्क में बाय नहीं करता, महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई केजरीवाल नहीं था। मैं वही कह रहा हूं ना, यहां केजरीवाल है इसलिए ये लोग किसी की बात नहीं करेंगे। और इनको कहते हैं ना कि जब आदमी को मजा लग जाता है तो दो चुनाव जीतने के बाद मजा तो लगा ही है उनको, वो चाहते हैं। तो फिर ये तर्क तो कहीं बैठता नहीं है ना केजरीवाल, आपका ये तर्क तो कहीं बैठता नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये मोदी जी जो हैं वो एक लहर हैं जिस पर ये अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश करेंगे। जैसी इन्होंने हरियाणा में की इनको कामयाबी मिली, जैसी महाराष्ट्र में की इनको कामयाबी मिली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये दोनों सपनों के सौदागर हैं, एक बड़े सपनों के सौदागर हैं जो पिछले 5 महीने से देश को सपने दिखा रहे हैं, अभी तक करके कुछ नहीं दिखाया है। एक 49 दिन के छोटे सपनों के सौदागर हैं जो अपना कार्यकाल बीच में छोड़कर चले गए थे। मैं भागने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो मौका तो आपने दिया था मीम अफजल साहब, ये सोच करके शायद वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी आपको बताया, उसके बाद भी आपने मौका दिया था। दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी आपको बताया, उसके बाद भी आपने मौका दिया था। इसीलिए दिया था कि लोगों ने एक फ्रैक्चर मैंडेट दिया था और हमने उस वक्त ये जिम्मेदारी समझी कि अगर इनको, चूंकि बीजेपी ने तो मना कर दिया था, वो ना किसी सपोर्ट ले रहे थे ना सरकार बना रहे थे। एक सवाल और भी सुधांशु मित्तल जी से पूछा जाना चाहिए कि भैया पिछले 5 महीने में आप इलेक्शन का चुनाव का ऐलान क्यों नहीं कर रहे थे, कौन सी जोड़ तोड़ में लगे हुए थे? आपके वो जो एक साहब हैं जो 4 करोड़ की रिश्वत और फलाना और ढिमका ये सब कर रहे थे, आप भी इतने दोषी निकलेंगे इसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नहीं, जोड़ तोड़ तो आपने भी की थी ना। नहीं, हम तो जोड़ तोड़ तो आपने भी की थी अफजल साहब। हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं किया, हमने कब किया? नहीं, आपने सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ नहीं की थी। हमने तो 18 पॉइंट पर इनको सपोर्ट दिया। आपके बल पे अरविंद केजरीवाल कूद रहे थे कि कांग्रेस हमको कभी भी सपोर्ट कर सकती है। नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने शुरू में कहा था, जब उन्होंने एक 18 पॉइंट का अपना लेटर भेजा था, और माफ कीजिए वो हमको ही नहीं भेजा, सबको भेजा था, बीजेपी को भी भेजा था। हमने कहा हम 18 पॉइंट पर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए कहा दिल्ली की जनता चाहती थी कि सरकार बने, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि 50% दाम खत्म नहीं हुए, कम नहीं हुए। इन्होंने पानी मुफ्त की बात की थी। आप मुझे बताइए किसके यहाँ 50% कम का बिल आ रहा है? बताइए, जमाने में आया बताइए, मेरा किसके यहाँ 50% कम का बिल कम आया था, वो भी कुछ दिनों के लिए। मेरे ख्याल से मीम अफजल भाई किसी के आया तो बता दें, मेरे यहाँ तो नहीं आया 50% बिल का। जहां तक मेरी मालूमात है, जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने अपने चीफ मिनिस्टर के जमाने में रहते हुए किए, उनमें मैक्सिमम वादे उन्होंने पूरे किए हैं। और किसके पास आ रहा है और किसके पास नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मैं मीम अफजल भाई के पास पार्टी की तरफ से कोई आदमी भेज दूंगा पूरी लिस्ट लेके कि दिल्ली में किसके पास गया और किसके पास नहीं गया। हाँ, एक बात मैं कहना ज़रूर समझता हूँ, हिंदुस्तान में 2 किस्म की राजनीति है, एक मोबोक्रेसी की है और एक डेमोक्रेसी की है। एमएलए हैं बता देंगे, एनके सिंह साहब एमएलए हैं, एनके सिंह साहब मेरे ख्याल से दोनों बड़ी खामोशी से मुझे सुनेंगे। आपका प्रमोशन हो गया एनके सिंह साहब। नहीं, मोबोक्रेसी की राजनीति अगर किसी ने करी है तो अरविंद केजरीवाल ने करी है। मैं बताता हूँ, मोबोक्रेसी और डेमोक्रेसी में मैं अरविंद केजरीवाल को और अपनी पार्टी को बिल्कुल भी मोबोक्रेसी का हिस्सा नहीं समझता। धरने की राजनीति किसने करी? डेमोक्रेसी का हिस्सा समझता हूँ। मोबोक्रेसी की राजनीति किसने करी है? उसी कानून ने हमें धरना देने का हक दिया है, उसी कानून ने हमें आवाज उठाने का हक दिया है। रहते हुए धरना देने का हक दिया है। यही तो कमाल है कि चीफ मिनिस्टर होते हुए एक आम आदमी जैसे धरना दे रहा है, वो 5-स्टार होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। यही तो अरविंद का कमाल है कि उसे झोपड़ियों में जाना जाता है। यही तो अरविंद का कमाल है। किस विषय पे धरना दिया बताइए? धरना दिया आपने एमएलए को बचाने के लिए,
क्योंकि उसके खिलाफ एक ऐसा माहौल बन गया था। उन्होंने कहा हमारे एमएलए की बात नहीं मानी, उसके लिए वो धरने पे बैठे। अगर उन महिलाओं के लिए बैठते जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, पिछले 5 दिन 6 दिन से खबर चल रही थी कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उस दिन से नहीं बोले, उस दिन बोले जिस दिन उनका एमएलए गिर गया, उस दिन उन्होंने बोलना उचित समझा और उसी लिए उन्होंने कहा भाई इसको सस्पेंड करो। और नतीजा क्या निकला, दो दिन के धरने के बाद में वो ऑटोमेटिक पहले ही छुट्टी पे थे। सुधांशु जी एक मिनट रुकिए, वो पहले ही ऑलरेडी छुट्टी पे थे और अपने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया। ये कहा गया कि हमारी जीत हो गई है, वो लोग छुट्टी पे भेज दिए गए, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो 2 दिन पहले से ही छुट्टी पे भेजे गए थे। और ये विषय बिल्कुल क्लियर सोमनाथ भारती जी को बचाने के लिए, क्योंकि सोमनाथ भारती जी के लिए के खिलाफ जो नक्सलवादी जो टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसमें उनको अभी जिनपे अभी अभी जिसपे 25,000 रुपए जुर्माना भी हुआ है, कोर्ट ने अभी जुर्माना किया है, तो मुझे लगता है कि वो सब आरोप सिद्ध हो गए थे। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए धरना दिया गया, ना कि जनता के लिए, ना किसी मुद्दे के लिए। ये बिल्कुल वास्तविकता बिल्कुल क्लियर है। मैं बहुत साफ जबान में बिना आरोप और प्रत्यारोप के सीधी सी बात कहना चाहूंगा, चूंकि ये प्रोग्राम सिर्फ हम ही नहीं सुन रहे और नहीं देख रहे, पूरा देश देख रहा है, ये तो सादी सी बात है। अगर कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और हमारा एमएलए है और लोगों ने विश्वास से उसे वोट दिया है, आप उसकी जातियाती ज़िंदगी से ना हट के सिर्फ ये देखें कि अगर हमारे नेता ने उसे बचाने के लिए धरना दिया है तो घर में चिराग जलाना क्या गुनाह है? घर में चिराग किस बात का जनाब जी? अगर घर में चिराग किस बात का? जी बिल्कुल सही, आप महिलाओं की बेइज्जती करें, आप कोई करेगा तो उसको आधी रात में उनको देखिए, आधी रात में उनको परेशान करें, ये उन महिलाओं की जिसके ऊपर नेशनल लेवल पे हमारे हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही हो, एक अंतरराष्ट्रीय मामला बन जाए वो, आप क्या आप इसको बोलेंगे घर में चिराग जलाना है? बिल्कुल मेरे भाई, करने वाली आप मुझे बताएं, सही से किसी आदमी को पार्टी से निकालना चाहिए रहते हुए धरना देकर कानून व्यवस्था को ताक में रख दे? आप मुझे बताएं कहीं आप मुझे बताएं क्या ये जुर्माना देने का फंडामेंटल राइट है? क्या ये उसकी लीगल ड्यूटी है? आप मुझे बताएं कि जब केस की शुरुआत में ये पता चलता है कि वहां कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसको सपोर्ट करना चाहिए और कुछ ऐसा हो रहा है जिसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर एमएलए ने, क्या ये एमएलए या मंत्री का काम है कि पुलिस से जाकर रेड डलवाए? रेड डालना पुलिस का काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है, ये एमएलए का काम नहीं है कि वहां पर जाके जबरदस्ती करे और ये कहे कि आप वहां जाकर रेट डालो। दीपक भाई, किसी भी एमएलए को कानून ये इजाजत नहीं देता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले, उसके लिए पुलिस है, फोर्स है। आपकी बात अगर एसएचओ नहीं सुन रहा तो एसीपी से बात करें, एसीपी नहीं सुन रहा डीसीपी से बात करें, कमिश्नर के पास जाए तो कमिश्नर से बात करें। एक तरीका है, आप अगर दीपक भाई कहते हैं आप अपने कानून को अपने हाथ में ले लें, ये किस कौन से कानून में लिखा है? और वो मुद्दा जब इंटरनेशनल लेवल पे आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मजेदार बात यह है कि वो कानून मंत्री थे उस समय दिल्ली में। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि हमारी पार्टी कहीं भी मोबोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, न थी न है और न रहेगी। आंदोलन मोबोक्रेसी नहीं होता, इनकलाब इनकलाब होता है और मोबोक्रेसी मोबोक्रेसी होती है। इसमें मुझे लगता है कि रिजवी साहब एक फंडामेंटल गलती कर रहे हैं। दीपक जी, मेरा खून तो खून होता है, आपका खून पानी है। एक फंडामेंटल गलती कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, अरविंद प्रोडक्ट ही है मोबोक्रेसी के, अरविंद प्रोडक्ट ही है, नहीं नहीं, लेकिन वो मोबोक्रेसी वो प्रोडक्ट ही है, एक करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जन आंदोलन के प्रोडक्ट है। चूंकि जन आंदोलन के प्रोडक्ट है तो वो जो भी एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन या लॉ के प्रोसेसेस है उसको वो चैलेंज करेंगे, तभी वो सर्वाइव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें हुआ ये कि उस बीच में जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन था उसका एक उनसे बड़ा नेतृत्व आ गया जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद जनमानस में यह लगा कि नहीं, करप्शन अब बड़ा इशू नहीं, नरेंद्र मोदी उसको देख लेंगे। नतीजा यह हुआ कि चूंकि नरेंद्र मोदी आ गए इस पूरे सीन में तो करप्शन सबसाइड हो गया, इनके पास कोई और मुद्दा रहा नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास ये चैलेंजेस करते, तमाम जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करते तो मेरे ख्याल से सर्वाइव करते, लेकिन करप्शन ये लेके बैठे रहे, करप्शन के ऊपर के लिए नरेंद्र मोदी ऐसा शख्सियत आ गया तो लिहाजा इनका इशू ही खत्म हो गया। लेकिन ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल तभी तक सर्वाइव करेंगे जब इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करें, एस्टेब्लिश प्रोसेसेस को चैलेंज करें, और ये उनको करना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं किया। तो मोबोक्रेसी बिल्कुल थी, वो मोबोक्रेसी के ही प्रोडक्ट थे और उस समय मोबोक्रेसी एक्सेप्टेड नॉर्म था, लेकिन मोदी के आने के बाद ये खत्म हो गया। और हकीकत यह है कि इस समय इन्फ्लेशन बड़ा इशू हो गया है, करप्शन मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इशू इस समय रह गया है, और जन लोकपाल को भूल गए। जन लोकपाल इस समय मुद्दा ही नहीं, क्योंकि मोदी के आने के बाद ये सब मुद्दे नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से सुधांशु विद्यल जी इतना तो हमें कम से कम मौका देंगे, मतलब हर बात काटने की जगह कम से कम इतना तो कहेंगे कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, एक बड़ी शख्सियत आई है और वो चैलेंज बड़ा है अरविंद केजरीवाल के, लेकिन उनका जो सपोर्ट बेस बढ़ा है
दो इलेक्शंस के बाद, इसके बाद उसको इग्नोर करना या क्रिटिसाइज करना सिर्फ इस बात पे, एक बड़ा वर्ग है जो कि अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, वो कॉन्स्पिकुअस नहीं है, वो वोकल नहीं है, लेकिन वो वर्ग है अभी भी। शोएब इकबाल साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, 49 दिन की सरकार में आप भी पार्टनर थे, तो 49 दिन की सरकार में जो अरविंद केजरीवाल ने बंटाधार किया है उससे आपका भी बंटाधार होगा? नहीं, हमने तो आउटसाइड जो है उसको सपोर्ट दी थी और हमारा कोई कंडीशन नहीं थी, और हम सीधा सीधा ये चाहते थे दिल्ली के अंदर एक सरकार बने, और सब जिस वक्त ये अपना पूरे रिजल्ट भी नहीं आए थे, हमने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि भाई ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया तो हमको उसमें करना चाहिए, परंतु इन्होंने 49 दिन के अंदर जो है वहाँ सरकार को अपनी गिरा के अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी, तो अब चले गए। अब उसके बाद जो आज पूरा दिल्ली के अंदर चुनाव का एक माहौल बनेगा, 9 महीने सरकार का जो कामकाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उपराज्यपाल का शासन यहाँ लगा रहा, तो ये सब चीज़ें बहुत माने रखती हैं, और अब थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें कोई शक नहीं कि एक वर्ग का ख़ास तौर से मुसलमान का वोट जो है वो कांग्रेस से इनकी तरफ शिफ्ट हुआ था और हुआ है, वो लोकसभा में हमने खूब अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन अभी भी इनकी नज़र उस पर ही है। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब से कि आप जगदीश मुखी या किसी और को मुद्दा ना बनाएं, नरेंद्र मोदी को ही अपना सामने टारगेट बनाएं, तो आपके साथ ये जो अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम वोट है, वो आपको पाप रहेगा, अदरवाइज ये भी खसक गया तो फिर मुश्किल बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। मुझे लगता है इतने बड़े पहाड़ से टकराएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, जगदीश मुखी को ही मुद्दा रहने दे तब एक मैच हो सकता है, बल्कि मैच में गड़बड़ जी नहीं 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 देखिए मैदान जंग के अंदर जितनी देखा जाता है कि अपना छोटा है मोटा है, याद रखिए कि आप जब मैदान के अंदर जाया जाता है तो उसमें ही देखा जाता है कि बादशाह है कि अपना कि वो कोई वो ऐसा नहीं है। आप जब लड़ाई में उतरते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपके हाथ में छोटा पत्थर है कि मोटा पत्थर है, नोकीला पत्थर है कि आपका गोल पत्थर है, जो हाथ में आता है वो मारा जाता है। लेकिन स्ट्रेटजी तो रखी जाती है ना, सामने कोई खड़ा होता है मैदान में, आप सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज करें बजाय इसके अगर जगदीश मुखी को चैलेंज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा कन्विंसिंग होंगे देश के अंदर। नहीं नहीं नहीं, जगदीश मुखी का कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सीधे नरेंद्र मोदी को करें मुकाबला। देखिए देश के अंदर जब भी राजनीति होती है, हमने भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री को टारगेट बनाया गया, मनमोहन सिंह को पूरा टारगेट बनाया गया, ये इन्होंने ही बनाया था अरविंद केजरीवाल साहब ने, मिसिस गांधी को बनाया गया, तो आज ये क्यों कर रहा है तो अपना मोनी बाबा फलाना ढिमका जो भी इस तरह से बोला करते थे, तो आज ये लोग चुप क्यों हैं? नहीं तो बनाए उसमें हम कहेंगे कल हम चुनाव में उतरेंगे, हम लोग जाएंगे, हम लोग मुद्दा बनाएंगे, नहीं तो मुद्दा तो डबल मुद्दे पे मुद्दा बन जाएगा कि अरविंद केजरीवाल साहब नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहते हैं, उन पर सारी बातें क्यों नहीं करते, इनके एक इनके आपस में डिफरेंसेस हो गए इसके ऊपर। अभी मैं कहीं सुन रहा था अपने इनके एक वरिष्ठ साथी को कि साहब वो जो है वो इससे एग्री नहीं करते, तो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को मनाओ, और बनाना चाहिए कि बिल्कुल उनका जो अभी तक 6 महीने का जो अभी तक कार्यकाल है उसके अंदर कौन से काम किए गए, अभी तक क्या हुआ है। आज भ्रष्टाचार, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, मैंने 3 दिन से ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार आज मुद्दा नहीं है, वो जितना गुस्सा भ्रष्टाचार के प्रति था सारा, वो देश की जनता ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो पूरा ही निकाल के रख दिया है, आज वो चीज़ नहीं है। आज यह आपके घर के अंदर रोजगार है, रोटी रोजी है, आपके यहाँ का महंगाई है, ये मुद्दे होंगे, वो उन मुद्दों के ऊपर आप कहाँ खड़े होंगे कि केंद्र सरकार ने क्या करा है, क्योंकि और आपको दिल्ली के अंदर जो शासन था वो केंद्र का था, ना के वो किसी सरकार का था, इसलिए आप तो सीधा सीधा मोदी सरकार को करेंगे। आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास चेहरा है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है दिखने का वाला, वो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, वो मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे, ना बिजली की बात कर रहे हैं, ना पानी की बात कर रहे हैं, ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना वादा कर रहे हैं इंसान है, ना वादा कर रहे हैं कि बिजली बिल 50% कम कर देंगे, ना वादा कर रहे हैं, कोई वादा नहीं। नाजी वाला जल्लोकपाल की बात कर रहे हैं जिसके लिए सरकार कुर्बान कर दी उन्होंने, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास एक अच्छा पढ़ा लिखा
कल सब खत्म हो गया, लोक आयोग आप कोई मुद्दा ही नहीं है, अब ये कोई मुद्दा ही नहीं है, बहुत सीधी सी बात है, जितने आपको वादा आगे कोई मुद्दा ही नहीं है इस वक्त होंगे। इसके अंदर मैं आपको इतना कह दूं उनकी चर्चा होनी चाहिए, उन्हीं के अंदर कामों को के जो काम बाकी रह गए उन्हें पूरा किया जाएगा, उन्हीं वादों को के जो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मुझे लगता है सियासत की बहस, शोएब भाई हमारे बड़े बुजुर्ग साथी हैं और बहुत पुरानी सियासत की जानकारी रखते हैं। एक मिनट, सुधांशु भाई ने भी बड़ी अच्छी तहजीबी बात कही हमारे सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़े अदब से सारी बातें की हैं। देखिए ऐसा है, हमारे पास जो वोट पावर है वो गरीबों की है, ठेले वालों की, रिक्शे वालों की, गरीब इंसान की, जिसका काम नहीं होता था सरकारों में, चाहे वो 50 साल की सरकार हो चाहे 5 साल की सरकार हो, इन लोगों ने वोट दिया है। बिल्ली जो को जी को भी वोट जो है वही मिला था। मुझे लगता है अगर आप मानते हैं कि झुग्गी बस्ती वाले ने आपको वोट किया, मीडियम क्लास दिल्ली की जो मीडियम क्लास थी उसने वोट नहीं किया, मुझे लगता है बिन्नी भाई मैं बोल लूं फिर आप देखिए मैं मानता हूं कि जहां जहां से वोट नहीं आता था, जिन जिन उम्र के लोगों से वोट नहीं आता था, जिन जिन प्रोफेशनल्स के वोट नहीं आते थे, वो सारे वोट हमें मिले हैं और हमें ज्यादातर सेकुलर वोट मिले। एक जुमला कहा गया है अभी के मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या मित्तल भाई ने कहा कि भाई मुसलमानों का ही वोट उनके साथ था जो शायद अब रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए हमारे इस इलेक्शन में 5 मुसलमान MLA जीते हैं या 6 मेरे ख्याल से, शोएब भाई जीते हैं, हारून भाई जीते हैं, हसन भाई जीते हैं और मेरे ख्याल से 2 और जीते हैं। ये 5 हमारे आपके होते अगर मुसलमान वोट सारा हमें ही मिल रहा होता, हमें हर जाति वर्ग का वोट मिला है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो अगला हो, पिछड़ा हो, शहर का रहने वाला हो, गाँव का रहने वाला हो, बाहर से आया हो, बिहारी हो, बंगाली हो, मराठी हो, अगर वो दिल्ली में रह रहा है, राशन कार्ड है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसने हमें खुल के वोट दिया है। और उस वोट की ताकत की बुनियाद पर मैं, अरविंद केजरीवाल या कोई भी अगर ये कह रहे हैं कि 45 सीट आएगी या 50 सीट आएगी या 40 सीट आएगी, तो आप इसे खामोश जबान की आंधी मत समझिए। वक्त आएगा, इसी स्टूडियो में आप मुझे बुलाएंगे और मैं आपको कहूंगा कि दीपक भाई आज मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, आज आपका अपना टीवी स्क्रीन जवाब देगा। नहीं लेकिन रिजवी साहब ये तो ठीक है आपकी बात, ये तो ठीक है, मैंने आपके तर्क के तौर पर माना, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि 39 दिन की सरकार जो आपका बंटाधार करने वाली है उसमें इस्तीफा देकर के अरविंद केजरीवाल ने बलिदान किया था। देखिए बहुत सिंपल और सीधी सी बात है, कभी कभी क्या होता है, हम अल्फाज के अगर झगड़ों में ना पड़े, कभी कभी क्या होता है, क्या उन्होंने बलिदान किया? मैं साफ कह दूं, मेरे नजरिए से आप देखिए तो यकीनन वो एक ठोकर थी जो उन्होंने तख्त को मारी, लेकिन उनके नजरिए से उनका सोचना यह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि इस्तीफा देने के पहले एक टूर उनको पब्लिक का लेना चाहिए, जैसे उन्होंने हुकूमत बनाने के पहले लिया था, जब सारे विधानसभाओं में गए और सबने कहा कि आपको हुकूमत बनाना चाहिए तो उन्होंने बना लिया। बिल्कुल यही रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए था इस्तीफा देने के पहले, कि सबसे पूछते जाते हर विधानसभा में, पता करते कि कितने लाख लोगों में से कितने लाख लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मेरे ख्याल से इसी गलती को उन्होंने माना है कि उन्होंने अपने मतदाताओं से न पूछ कर यह कदम उठाया। मगर देखिए मैं जितने लोग मौजूद हैं, जो सियासत सियासी रहनुमा है, बड़े लोग हैं, सारे सबकी इज्जत है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अरविंद ना आप सियासत का खिलौना है, अरविंद ना आप सियासत का टेबल है, अरविंद सियासत की एक बेहतरीन कुर्सी बन चुका है जिस पर हर कोई बैठना चाहेगा। आप यकीन जानिए वो ये ताकत उसे घर से नहीं मिली है, ये ताकत उस शख्स को विरासत से नहीं मिली है, ये ताकत उस शख्स को खून से नहीं मिली है, ये ताकत उस शख्स को खिदमत से भी नहीं मिली है, ये ताकत उसको खुद दिल्ली की जनता ने दी है। आप जनता से जाके सवाल कीजिए कि वो इतने कमजोर क्यों है, ताकतवर क्यों है। देखो किसी भी राजनीतिक आदमी को कुर्सी नहीं मिलती है, जनता कायम करती है, जनता हमेशा उसको सहयोग करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार छोड़ने वाली बात, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह पता था कि आने वाले दिन में जो बिजली पानी की समस्या दिल्ली में होने वाली थी, उस समस्या से बचने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई, जिसके तहत पूरी दिल्ली जानती है कि कांग्रेस के खिलाफ कहा गया कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करने जाएंगे, इन नेताओं के खिलाफ बहुत अभद्र बात शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनसे आपने समर्थन दिया उनको गाली देने का काम किया गया, लेकिन कांग्रेस की मैं शाबाशी समझता हूं, उनका धैर्य समझता हूं, उन्होंने उनकी पूरी परीक्षा ली
और जब उनको लगा कि ये कांग्रेस पार्टी हमसे समर्थन लेने वापस लेने का काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे कि लोगों को भ्रमित किया जा सके कि हम जनलोकपाल पे गैर संवैधानिक तरीका चुना गया कि हम जनलोकपाल पे शहीद कहलवाए जाएं। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सब चीजें सब लोग समझते हैं, सब लोगों ने उस चीज को भापा कि आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, बिजली पानी की समस्या से भाग रहा है और 3 महीने की सब्सिडी देके लोगों को कितने लंबे टाइम तक मूर्ख नहीं बना सकता है। मैं रिजवी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल का इतिहास अगर आप अगर बता पाए लोगों को, क्योंकि दिल्ली की जनता, मैं और सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इतिहास क्या है। अरविंद केजरीवाल टाटा में जॉब की, उन्होंने एक काम बता दीजिए कि विशेष काम क्या किया टाटा में जॉब करते हुए, वो इनकम टैक्स में रहे ये बता दीजिए, उसने इनकम टैक्स में इनकम जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, एक पॉलिसी बता दीजिए आप बता दीजिए कि उन्होंने एनजीओ चलाई, एक काम उस एनजीओ में बता दीजिए कि उन्होंने एक अच्छा काम जिसको लोग याद करते हो, देश में उसकी चर्चा हुई हो, ऐसा एक काम बता दीजिए। आम आदमी पार्टी बनाई, उसको वो संगठित करके चला पाए हो, लोगों को संगठित करके ले पाए हो। देखो इसका दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, एक काम किया शांति भूषण जी, बताऊंगा आपको, एक मिनट, शांति भूषण जैसे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए चंदा देकर इस पार्टी को खड़ा किया, इस देश में उनका बहुत सम्मान था, उनको उन पे उंगली उठानी पड़ी और ये कहना पड़ा कि ऐसे लोग, इनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि लोगों का नेतृत्व कर पाए, पार्टी को संगठित करके चल पाए। जो इस पार्टी के सबसे बड़े आशीष नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने इस पे उंगली उठाई और आज दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि 49 दिन में एक काम बता दीजिए लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा। आपने कहा 50% बिजली के दाम कम होंगे, बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं, आपने उस पर धोखा दिया, वो पैसा जनता का जो मेडिकल में यूज होना चाहिए था, शिक्षा में यूज होना चाहिए था, उसको आपने सब्सिडी में दे दिया। ठीक है, ठीक है बिनी भाई, हम रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी एक गर्मा गर्म चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। तो जब से खबर आई है कि दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, केजरीवाल की पार्टी को मिलने वाले डोनेशन में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 3 नवंबर को पार्टी को कुल 1,35,699 रुपए चंदा मिला, तो 4 नवंबर को यानी जिस दिन राष्ट्रपति ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर की, पार्टी को 3,13,789 रुपए चंदा मिला और आज की बात करें तो अब तक पार्टी को 7,60,223 रुपए चंदा मिल चुका है। तो रिजी साहब, चंदा तो आपको खूब मिल जाता है लेकिन खर्चे का हिसाब नहीं देते आप, चुनाव आयोग को खर्चे का हिसाब नहीं दिया आपने। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए कह सकता हूँ कि मैं वाकई आपके इस प्रोग्राम में सिर्फ इस बात के लिए मौजूद था कि मैं आपको ये जवाब दूँ कि अरविंद केजरीवाल वाकई उन नेताओं में से हैं जिनकी कद्र होनी चाहिए, चूँकि सियासत में अच्छे लोगों की मौजूदगी सियासत को खूबसूरत बनाती है। मैं ना तो चंदे पे कोई टिप्पणी देना चाहूँगा और ना ही चंदा के बारे में इलेक्शन कमीशन को क्या रिपोर्ट पार्टी ऑफिस से जा रही है, वो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना काम ज़रूर करते होंगे और ज़रूर किया जाएगा और आप चाहेंगे तो आप तक एक कॉपी भी भेज दी जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बैठे पैनल्स जितने बैठे हैं इनसे आप पूछ लीजिए ये अरविंद को एक अच्छा आदमी मानते हैं या नहीं मानते हैं, और आपको एहसास हो जाएगा कि अरविंद कहाँ खड़े हैं। जहां तक बिन्नी भाई ने बात कही कि वो टाटा में थे, दीपक जी, मैं इसका जवाब टाटा देंगे। हाँ, भाई आप ही के पास आएगा, आप ही को सब लोग सुनेंगे। सवाल इसलिए कहा कि आदमी का इतिहास बताता है कि वो वर्तमान और भविष्य में क्या करेगा। ठीक है, बिन्नी जी सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं। जी सुधांशु जी, 15 साल का इतिहास है, अगर मैं आज विधानसभा में बैठा हूँ तो मेरा 10 साल का पुराना निगम पार्षद का इतिहास है, इसीलिए पिछले पुराना इतिहास आपका बताता है कि आपका वर्तमान और भविष्य क्या होगा। जी सुधांशु जी, आपके पूरे भविष्य जो अपना पास्ट गया है उसने आपने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसपे आप पे विश्वास किया जा सके कि आप दिल्ली का वर्तमान ठीक कर पाएंगे और आप दिल्ली का भविष्य ठीक कर पाएंगे। सिर्फ आंदोलन करने से और लोगों को भ्रमित करने से काम नहीं चलने वाला। दीपक जी, रिजवी साहब ने पूछा कि यहाँ पे पैनल में जो लोग बैठे हैं उनमें से हर एक कोई उनको एक अच्छा आदमी मानता है नहीं मानता है, यही पूछा। मैं रिजवी साहब आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा, फिर इस पे तय करते हैं वो अच्छे आदमी हैं या नहीं है। एक मुख्यमंत्री के स्तर का आदमी अगर झूठ बोले एज मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी होता है खराब आदमी होता है? ये आप कह रहे हैं भाई, कोई भी कहेगा खराब आदमी, ये आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, उसे जो वोट दे रहा है वो नहीं बोल रहा। कुछ कहा ही नहीं, अरे बिल्कुल नहीं कहा मैंने हुजूर। अरे भाई एक सेकेंड रिजवी साहब, मेरी बात सुन लें, आपकी बात मैं कितने गौर से सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। आप यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बार ये कहा मुख्यमंत्री बनके कि मैंने
50% जो है बिजली के दाम कम कर दिए, ये कहा ना। अच्छा देखिए, जब मोनोलॉग होता है तो उसमें क्या होता है कि वो क्या कह रहे हैं उससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यहां तो डायलॉग हो रहा है, यहां तो संवाद है। आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने 50% बिजली के दाम कम करे थे कि नहीं करे थे? क्यों? अच्छा, आप जवाब देने से पहले समझ लीजिएगा, पहले तथ्य आपको बता देता हूं, फिर आप इसमें ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जो दाम थे उसमें 25% सब्सिडी शीला जी पहले ही दे चुकी थी और इन्होंने आगे बढ़ा के कर दी, तो दिल्ली की जनता को 25% का पहले दाम पे, कम दाम पे पहले ही मिल रही थी, जो रिकमेंडेड प्राइस था उससे 25% कम पे पहले मिल रही थी और इन्होंने 25% कम करे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये मुख्यमंत्री का कह रहा हूं कि मैंने 50% जो है दाम कम करे। अब आप बता दीजिए, ये कहा ये सही है या गलत है? अगर सही है तो आप बता दिए तथ्य क्या है, और गलत है तो ऐसे आदमी को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? इतनी सी बात पे पूछ रहा हूं, बाकी चीजें तो और मैं बात करूंगा। और क्या क्या झूठ जो बोले, क्विक रिस्पॉन्स आदमी के, एक बस एक लास्ट दीपक जी, सुधांशु जी वक्त खत्म हो गया मेरा, आदमी के विश्वास को। अच्छा सॉरी सुधांशु भाई, आप बहुत बेहतरीन बोलते हैं और कन्विंसिंग, आपके गुजराती में हम लोग बोलते हैं रजवाद शक्ति, यानी एक्सप्रेस करने की शक्ति आप में काफ़ी अच्छी है। मगर मैं एक बात कहता हूं, दिल्ली बिजली के बिल से ना रुकती है ना चलती है, नेतागिरी बिजली के बिल से ना रुकती है ना चलती है। नेतागिरी पूरी की पूरी इसी के नाम पर किया अरविंद केजरीवाल ने बिजली के बिल का काम। वो तो आप कहिए, तो प्यास पे भी चलती है भाई, तो प्यास पे भी चलती है, आलू पे भी चलती है, फिर टमाटर पानी पे भी चलती है, पानी पे भी चलती है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, मेरे भाई ने जो मुझसे सवाल किया, आधे पूरे घर का खर्चा होता है, आज स्थिति है दिल्ली में बिजली एक में, मेरे से भाई ने जो सवाल किया मैं सीधा सीधा रिस्पांस इनको दे रहा हूं। आप ये बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर के टेबल पे एक चीज आई है और उस चीज में उसको दिख रहा है कि 50% लोगों को फायदा जा रहा है और उस 50% का उसने ऐलान किया है, तो कौन सा बुरा काम किया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने किए थे वो बाद में कांग्रेस के पास आ गए और कांग्रेस ने उसका ऐलान किया, तो लोगों को लगा कि आपने कहा बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं और जांच करने के बाद ये बिजली के दाम आधे हो जाएंगे, ये कभी नहीं कहा कि हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देके आपने मुझे सबके लिए अफसोस कि मुझे यही रोकना पड़ेगा ये शो, क्योंकि वक्त मेरे साथ खत्म हो गया है। मीम अफजल साहब बहुत बहुत अफसोस, अगले शो में मैं आपको बोलने का बहुत मौका दूंगा। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो कहीं नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। आप इस लिहाज से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अपने शोज में आपको ही बोलने का मौका देता हूं, लेकिन अफसोस कि आज वक्त की कमी है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।